गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस कनेक्टेड बाय सेंट जेम्स स्कूल। यह वीडियो क्लास वन के लिए है। इस वीडियो में आज हम चार वर्णों के शब्द के बारे में सीखेंगे। चार वर्णों के शब्द कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। इससे पिछली वाली क्लास में हमने दो वर्णों के, तीन वर्णों के शब्द के बनाना सीखा था। इसमें हम चार वर्णों के शब्द बनाना सीखेंगे, ठीक है। जैसे दो और तीन वर्णों के शब्द आपने देखा था, उसी तरह के चार वर्णों के शब्द भी हैं। बिना मात्रा के चार वर्ण, वर्ण मतलब हमने पहले भी बताया था भाषा की सबसे छोटी इकाई क से लेकर के ज्ञा तक, ठीक है। तो जो इन्हीं वर्णों को मिलाकर के जो शब्द बनता है, हम उन्हीं को सीख रहे हैं। हमने दो वर्णों को सीखा, जैसे घर, नल, छत, ठीक है। और हमने तीन वर्णों का शब्द बनाना सीखा, जैसे कलश, नगर, ठीक है। अब हम इसी क्रम में चार वर्णों को एक साथ मिलाकर लिखना सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या है शब्द रचना, मतलब शब्द बनाना, शब्द कैसे बनाए जाते हैं। तो एक एक वर्ण को जोड़ करके ही शब्द बनाए जाते हैं। हमने दो वर्णों को जोड़कर सीखा था, तीन वर्णों को जोड़कर सीखा था, आज हम चार वर्णों को जोड़कर सीखेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे ये एक वर्ड है घ और दूसरा वर्ड है र। हमने दोनों को शाख में लिख करके इसको, ये जोड़ने का मतलब है कि हम इस दोनों को साथ में जोड़ने वाले हैं। जब हम इन दोनों को साथ में लिख देंगे, अभी ये कोई शब्द नहीं है, अभी ये वर्ड है। क्या है? वर्ड है, अभी ये शब्द नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। जैसे हम इनको एक साथ लिख देंगे, घर, यह एक शब्द बन जाएगा और इसका एक मतलब हो जाएगा, इसका एक अर्थ निकलने लगेगा। घर वह जहाँ हम रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, वह घर होता है। तो अभी इसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है। जब हमने दोनों को साथ में मिला करके लिख दिया, तो यह एक शब्द बन गया और इसका एक मतलब निकलने लगा। इसी तरह से हमने तीन वर्णों के शब्द बनाना सीखा था, जैसे न, ग, र। अभी ये वर्ड है, अभी इनका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। जब हम इन तीनों को एक साथ लिख देंगे, नगर, अब इसका एक मतलब निकलने लगा, अब यह शब्द कहलाने लगा, ठीक है। नगर मतलब गांव, मतलब नगर मतलब एक जगह का है जहां पे बहुत से घर रहते हैं, नगर, ठीक है। बहुत सी कॉलोनियां रहती हैं, मतलब बहुत से घरों का समूह रहता है, वो नगर हो गया, ठीक। ये दो वर्णों का शब्द हो गया और ये तीन वर्णों का शब्द हो गया। इसमें देखिए दो वर्ण है, इसमें तीन है। इसी के क्रम में आज हम चार वर्ण सीखेंगे, जैसे ठ, र, म और प्र, ठीक। अब ये चार वर्ण है, जब हम इनको चारों को एक साथ जोड़कर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा, क्या हुआ, थर्मस। थर्मस तो सबको मालूम है, जिसमें आप पानी ले आते हैं, वाटर बॉटल, ठीक है। तो ये हो गया थर्मस। इसी तरह से आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, चार वर्णों के शब्द, ठीक। आइए देखते हैं, सबसे पहले है ब, र, ग, द। इसको मिला के क्या बना है, बरगद। इसको साथ में बोलेंगे, एक समान मतलब प्रेशर डालते हुए बोलेंगे। ऐसा नहीं कि ब फिर थोड़ी देर बाद र फिर थोड़ी देर बाद ग, ऐसा नहीं। आपको एक साथ सब बोलना है, पहले ब फिर र फिर ग फिर द, उनके बीच में कोई बहुत टाइम नहीं लेना है, तो हो जाएगा बरगद। देखिए, हमने कोई बोलते समय शब्दों में बहुत जगह नहीं छोड़ी है, मतलब बहुत टाइम नहीं लिया है, एक साथ बोला है बरगद, मतलब सबको लगातार बोलते चले गए, तो इसको लगातार एक साथ बोलते चले जाना है, तो हमारा शब्द बन जाता है, शब्द का उच्चारण होने लगता है। अ, ज, ग, र। अभी देखो, हमने इसमें थोड़ा सा समय लेते लेते हमने इसको बोला है, एक साथ नहीं बोला है, क्योंकि ये अभी वर्ण है, वर्ण है। जैसे ये शब्द बन जाएंगे, वो एक साथ लिख देंगे, तो हम इनमें बोलते
समय लिया था, लेकिन जब ये शब्द बने तो हमने इनको एक साथ बोल दिया अजगर। ऐसा नहीं कि पहले आपको जब और फिर आ बोलना है फिर गा जैसे सब मन के बोल दिया, नहीं, आपको पहले आ बोलना है फिर जब बोलना है फिर गा बोलना है फिर रा बोलना है, तो आपका शब्द जो है बहुत सही होगा, शुद्ध उच्चारण होगा अजगर। ठीक, ऐसा भी नहीं कि आपको यहाँ से बोलना है रा गा जा, यहाँ से क्रम से बोलना है, एक मतलब एक के बाद एक के बाद एक क्रमशः बोलते चले जाना है बिना ज्यादा समय दिए या बिना ज्यादा समय रुके। अगला शब्द देखते हैं श ल ग म, शलगम। ठीक है, क्या है ये शलगम? ये तालव्य स्वर है, इसको आपको थोड़ा सा जीभ के बीच में जीवा रख के बोलना होता है शलगम। ठीक, ये शब्द अगला प न घ ट, जब हम इसको शब्द की तरह से उच्चारण करेंगे तो क्या होगा पनघट। ठीक है, इसी तरह से आपको अपने मन से भी शब्द ले लेना है और उसको जोड़ करके अधिकाधिक चार वर्णों के शब्द बनाइए और देखिए कि क्या एक आप सही शब्द बना पा रहे हैं, ऐसा शब्द बना पा रहे हैं जिसका कोई मतलब निकल रहा है। अगर ऐसा शब्द कोई बना पा रहे हैं जिसका कोई मतलब निकल रहा है तो इसका मतलब है वो शब्द है, वही शब्द है। अगर कोई मतलब नहीं निकल रहा है तो फिर वो शब्द नहीं है। जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं, ये चार वर्णों का ही शब्द है चक्रदल, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है तो फिर ये शब्द नहीं कहलाएगा, ये निरर्थक शब्द है, इसका कोई मतलब नहीं है। शब्द वही होते हैं जिनका कोई मतलब निकलता है, जिनका कोई अर्थ निकलता है। तो ये पहले आपको बनाना, पहले पेज में आपको ये शब्द रचना लिखनी होगी कि आप शब्द रचना कैसे कर रहे हैं, कैसे किया जाता है ये फर्स्ट पेज में। उसके बाद आप चार अक्षर के शब्द लिखेंगे, अक्षर या वर्ड, तो चार वर्णों के शब्द लिख करके इसका उच्चारण करेंगे। पहला है अजगन, अदरक, उपवन, उबटन, अमरख, शलगम, खटमल, थर्मस, करवट, पतझड़। और आपको पढ़ना भी है, उच्चारण करना भी है, जितना ज्यादा आप शब्दों को पढ़ेंगे आपको उतना ही जल्दी बड़े बड़े वाक्य पढ़ना आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप शब्दों को पढ़ करके लिखने का अभ्यास करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है आपका एक अभ्यास नीचे लिखे अक्षरों से शब्द बनाना है। ठीक है, हम आपको ये भेजेंगे, आप इसका अभ्यास करिएगा और नए नए शब्द बनाने का प्रयास करिएगा। थैंक यू।